आज दरबार फिल्म रिलीज हुई, आज गुरुवार है और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है ऑटो वाले अंकल यानी कि अशोक सर। से आपसे आज चाहेंगे, दरबार फिल्म आपने देखी, आपको कैसी लगी जरूर बताइए। सर सबसे पहले तो नया साल में जो है बड़ी मूवी आई है, उसके पहले मेरे दर्शक और मेरे चाहने वाले को जो है नए साल की शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। और मैं यही बोलूँगा कि मूवी में कुछ कमी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त ये मूवी बनाई गई है और इतनी ज़बरदस्त बनाई गई कि 2 घंटा 40 मिनट की ये मूवी बनाई गई है और रजनीकांत सर में कोई कमी नहीं है और इतना ज़बरदस्त उन्होंने जो है कमिश्नर का, पुलिस कमिश्नर का काम किया है और सुनील शेट्टी सर ने विलन का काम किया है, बहुत ज़बरदस्त ये मूवी बनाई गई है। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये मूवी में जो है पब्लिक नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आया कि हो सकता है कि सुनील शेट्टी सर को ना ये मतलब उनका कुछ ये नहीं चल रहा है, उनको नहीं पसंद कर रहे हैं कि रजनीकांत सर को, मुझे ये नहीं समझ आया, पब्लिक नहीं है। यही मैं जो है रजनीकांत सर की और अक्षय कुमार की मूवी आई थी 2-0, उसमें जो है खचाखच पब्लिक भरी थी और 2 दिन ऑलरेडी जो है ये 2 दिन पहले ही उसका बुकिंग फुल हो चुका था और इसमें देख रहा हूँ पब्लिक है नहीं। अब मूवी इतनी ज़बरदस्त बनाई है और इतना काबिले तारीफ है, जितना भी इसका तारीफ किया जाए कम है। अब यही है, हो सकता है कि रजनीकांत सर को नहीं फ्रेंड है या कुछ भी है, हो सकता है अभी कल फ्राइडे को भी देख लेंगे। लेकिन मूवी ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी कि कोई भी कमी नहीं है रजनीकांत सर में। एक्टिंग स्टाइल वही है जो आपको चाहिए रजनीकांत सर में देखने के लिए, सेम सब कुछ है, फाइट है, एक्शन है और जो सबसे दर्दनाक जो सीन है, जो क्लाइमेक्स की बात है, क्लाइमेक्स बहुत ज़बरदस्त है। हम लोग जो है वार में जो देखे थे, एक दूसरे को जो है मारू उतारू रहते थे, एक दूसरे को चाकू मार देते थे और जो है जो मिला वो मार देते थे, सेम टू सेम वैसी क्लाइमेक्स इसमें भी है कि जब सुनील शेट्टी बोलते हैं मैंने जो है यहाँ से जब छोड़ा था तो 27 पुलिस वाले लोग को मारा था, अगर तेरे में दम है आ जा तुझे भी मैं वही मारूंगा, तब रजनीकांत को वही बुलाते और दोनों में क्लाइमेक्स में टफ फाइट होता है और दोनों में जो है फेस टू फेस, तो वो जो है सेम टू सेम जो है वार जैसा वार में आपने देखा होगा दीवार गिर जाती है सब लोग एक दूसरे, लेकिन एक जो है मेन सीन उतना जितना वो वार में जितना दर्दनाक जो मतलब सीन बताया था उतना कुछ खास नहीं इसमें बताया। लेकिन एक जो है इसमें खास बात देखने को मिली, जब लास्ट में जो है लास्ट में जब सुनील शेट्टी को जब वो ऐसे चाकू से जब खींच के मारते तो यहाँ पर जब सुनील शेट्टी को लगता है तो सेम टू सेम वार में जैसे वो उठा के जैसा वो पैर में घुसा देते, सेम टू सेम वही सीन है। लेकिन मूवी जो है बहुत ज़बरदस्त है, आप लोग देखिए, थोड़ी बड़ी है और रजनी सर की, और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग जो है आ गए हैं छुट्टी से आ गए हैं तो मैं यही बोलूँगा कि ये मूवी देखिए, मूवी में कुछ कमी नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस मूवी को जो है मैं 4 स्टार दूंगा और जो रजनीकांत सर और जो ये अपने सुनील शेट्टी सर जो है बहुत दिनों के बाद विलन के रोल में आए और वो जो है साथ निभाया और बहुत ज़बरदस्त काम दिया, काबिले तारीफ है, वो दोनों जन को मैं 5-5 स्टार दूंगा, बहुत मानना पड़ेगा, काम में कुछ कमी नहीं है, दोनों जो है परफेक्ट एकदम काम किए और मूवी में जान डाले हैं। बस मैं यही चाहूँगा कि जितने भी इन ये दोनों स्टार को चाहने वाले दर्शक हैं उनको ये मूवी में देखिए और ज़बरदस्त है और आप लोग जो है भूलिए ना।